नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम सकुशल संपन्न होने पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जताया आभार। मुस्लिम धर्म गुरुओं सहित सभी लोगों का जताया आभार। ड्यूटी पर तैनात रहे पुलिस अधिकारियों कर्मियों की भी तारीफ की। पूरे प्रदेश में मुहर्रम सकुशल संपन्न हुआ और इसमें विशेषकर पुलिस विभाग उन व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता है जिन्होंने इस दौरान पुलिस की सहायता की, तथा विशेषकर उन धर्म गुरुओं का जिन्होंने कोविड के प्रोटोकॉल को अनुपालन करते हुए लोगों से अपील की थी कि शांतिपूर्ण तरीके से तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस त्यौहार का पे कार्रवाई की जाए। इस संबंध में पूरे प्रदेश में अभी तक की किसी तरह की कोई घटना की सूचना नहीं मिली है। लखनऊ राजकीय बाल गृह बालिका मोती नगर की सबसे बड़ी लापरवाही आई सामने। राजकीय बाल गृह जो कि बालिका से नाबालिग युवती के लापता होने की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप। घटना की वजह से आसपास के क्षेत्र में भी सनसनी का माहौल। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के घर पुलिस का पहरा। पुलिस ने अमिताभ ठाकुर का लखनऊ का घर घेरा। अमिताभ ठाकुर का आज गोरखपुर जाने का कार्यक्रम है। पुलिस उन्हें गोरखपुर नहीं जाने देना चाहती। गोरखपुर से सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब मिर्जापुर का नाम बदलने की उठी मांग। भारतीय सवर्ण संघ ने सीएम योगी से अपील की है कि मिर्जापुर का नाम बदलकर विंध्याचल नगर कर दिया जाए। लखनऊ दिनांक 28/2021 को राजधानी लखनऊ के थाना मंडियाव क्षेत्र में काकोली चक्रोड पर हुआ हत्या के मुकदमे से संबंधित प्रकाश में आए दो अभियुक्त मनीष राठौर पुत्र श्याम सुंदर राठौर निवासी सीतापुर उम्र 25 वर्ष व सौरभ पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी सीतापुर उम्र करीब 23 वर्ष को आज मंडियाव पुलिस व अपराध शाखा कमिश्नरेट लखनऊ व अपराध शाखा उत्तरी जोन कमिश्नरेट लखनऊ की संयुक्त टीम ने कैरियर अस्पताल बेला के पास से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के कब्जों में एक आल्हा, एक तमंचा व एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्तों के कब्जे से मृतक जगदीश पुत्र राम प्रसाद निवासी लालगंज थाना हसनगंज लखनऊ की एक्टिवा भी बरामद हुई। दिनांक 18/2021 को ककौली चक्रोड थाना क्षेत्र मड़ियाव के अंतर्गत झाड़ियों के पीछे एक अज्ञात शव मिला था। जब इस शव की शिनाख्त करने की कोशिश की गई तो 19/2021 को पता चला कि ये शव जगदीश वर्मा का है। इनकी पत्नी के निशानदेही पर मुकदमा अपराध संख्या 365/21 धारा 302 IPC थाना मड़ियाव में पंजीकृत कराया गया। आज 20 तारीख को इस घटना को कारित करने वाले दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम है मनीष राठौर पुत्र श्याम सुंदर राठौर निवासी रामकोट जनपद सीतापुर उम्र करीब 25 वर्ष और सौरभ उम्र करीब 23 वर्ष। इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि ये दोनों एक ही जगह पे बोरिंग का काम किया करते थे और आपसी रंजिश के कारण इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। मनीष राठौर के पास से आला कतल भी बरामद हो गया है और एक खोखा 315 बोर का कारतूस भी बरामद हुआ है। घटना में प्रयोग की गई स्कूटी भी उनके पास से बरामद हो गई है। इसमें अनियमित कार्रवाई की जा रही है। बहराइच भारत नेपाल सीमा पर स्थित रुपईडीहा क्षेत्र में 2,41,00,000 की स्मैक बरामद हुई। नेपाली रुपए 5,550 भारतीय रुपए व 3 मोबाइल भी मिला। जुनैद सेबू निवासी रुपईडीहा व रबनीर सोनी कोल्हापुर नेपाल का निवासी है। पुलिस व NCB टीम के 3 तस्करों को किया गिरफ्तार।